नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में मतदान होगा, जबकि असम में 4 और 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 16 मई को मतदान होगा। चुनाव परिणाम की घोषणा 19 मई को होगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा का निधन। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं मौजूदा सांसद पीए संगमा का शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। संगमा 9वीं लोकसभा के दौरान वर्ष 1996 से 1998 तक अध्यक्ष रहे। वे कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री भी रहे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संगमा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हफ्ते हफ्ते सदन चलाने का गुर संगमा से ही सीखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास में संगमा का बड़ा योगदान रहा। मुंबई और संसद पर आतंकवादी हमले, तत्कालीन सरकार की साजिश। इशरत जहां मामले में गुजरात उच्च न्यायालय में 2 हलफनामे दाखिल करने वाले गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी आरवीएस मणि ने दावा किया था कि हत्याओं पर जांच कर रही एसआईटी के एक सदस्य ने उन्हें बताया था कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों और संसद पर हमले सत्तारूढ़ सरकार की साजिश थे। 2009 में गृह मंत्रालय में अवर सचिव के तौर पर हलफनामे दाखिल करने वाले मणि ने 21 जून 2013 को तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास सचिव सुधीर कृष्णा को अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी के सामने अपनी गवाही के बारे में बताया था, क्योंकि उस समय वह उसी मंत्रालय में पदस्थ थे। अमेरिकी गुरुद्वारे में निर्वस्त्र व्यक्ति ने की तोड़फोड़। वाशिंगटन राज्य के स्पोकेन स्थित गुरुद्वारे में एक निर्वस्त्र व्यक्ति ने यहां रखी सिख धर्म की पवित्र वस्तुओं से छेड़छाड़ की और छिटपुट तोड़फोड़ भी की। पहली नजर में यह मामला घृणा अपराध का जान पड़ता है। सिख समुदाय के नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। इस मामले में जेफरी सिख पिटमैन को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया गया। उसके हाथ में गुरुद्वारे की पारंपरिक तलवार भी थी। पिटमैन के खिलाफ चोरी, दुर्भावनापूर्ण शिकायत और दुर्भावनापूर्ण शोषण के आरोपों के तहत स्पोकेन काउंटी जेल में मामला दर्ज किया गया। अमेरिकी धार्मिक आयोग को नहीं मिला भारतीय वीजा। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चर्चा करने और इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत यात्रा पर आने वाले एक अमेरिकी आयोग को भारत सरकार ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के सरकारी अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए एक सप्ताह की भारत यात्रा पर आना चाहता था। USCIRF के अध्यक्ष रॉबर्ट पी जॉर्ज ने एक बयान में कहा कि हम भारत सरकार की ओर से वीजा के लिए इनकार किए जाने पर बेहद निराश हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।